मिलते हैं आपको एक ऐसे दमदार बंदे से अमृतसर में जो है। सर बताइए अपना नाम। सर मेरा नाम रुद्र प्रताप है और मेरी पेट शॉप भी है साथ में, रुद्रा पेट शॉप की तरफ से, और मैं डॉग ट्रेनर भी हूँ। मेरे पास मतलब हॉस्टल भी है और जो मेरे लोकल एरिया के लोग हैं उनके घर पे मैं जाकर ट्रेनिंग देता हूँ। जो गांव के लोग हैं उनके घर पे मैं जा नहीं सकता, वो फिर मेरे पास हॉस्टलिंग के लिए छोड़ जाते हैं। रोल बेटा, रोल प्रॉपर एंड रिवर्स, गेट अप, स्टॉप। सर ये छोटा सा ट्रायल था मेरा, ठीक है, बाकी ये चल रही है ट्रेनिंग। अभी मुझे कम से कम भी 80-90 डे हो गए इसको करते हुए। होस्टलिंग का क्या प्राइस चल रहा है आजकल की? सर होस्टिंग के लिए जैसे मेरा हॉस्टल हम करते हैं ना सर, हॉस्टल में क्या है कि मतलब सबसे पहले जो भी बंदा आता है कभी कभार उसका बजट ओवर हो जाता है, ठीक है, सबसे पहली बात है। देते हैं लोग, अभी मेरे पास से शिमला से दो हस्की आए हुए हैं, ठीक है, सीखने के लिए। आज मुझे फिर कॉल आई थी, 4 मंथ का शेफर्ड है हमारा, तो हम छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी, ठीक है। मैंने उनको बोला 2 मिनट रुक जाइए। और सबसे बड़ी बात है जो मैं चार्ज लेता हूँ, मेरी ट्रेनिंग का चार्ज है, अगर लोकल एरिया में घर में जाता हूँ 8,000 पर मंथ लेता हूँ, अगर वो मेरे घर पर आया फिर मैं 15,000 पे लेता हूँ, विद डाइट, खान पान, विद फूड, जो वो बंदा फूड उसका जो खिलाता है, चाहे वो रॉयल खिलाता है, चाहे वो चिकन खिलाता है, चाहे वो पेडिग्री खिलाता है, कुछ भी। तो ये है मेरा, बाकी ट्रेनिंग में बहुत सालों से कर रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब कर ही जाए। कुछ बताइए इस ब्रीड के बारे में। रहता हूँ, 2009 में मैं काम सीखने गया था, तो 2010 में मैंने काम सीख के कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जी हाँ जी बोलिए। काफ़ी साल तक मैंने फिर ट्रेनिंग की, तो फिर बीच में मैंने ट्रेनिंग बंद कर दी। एक्चुअली मेरा थोड़ा सेल परचेज का काम अच्छा चल गया, तो फिर लॉकडाउन के बाद थोड़ा मुझे लगा भी मतलब मुझे ट्रेनिंग में अपना हाथ फिर से ठीक रखना चाहिए, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। बाकी शो लाइन में वैसे तो मैं ओबीडियंस ट्रेनिंग देता हूँ, ओबीडियंस आपको करा के दिखाऊंगा, तो आप कहोगे अब ये क्या कर दिया इसको, इतना अच्छा सल्यूट मारता है, हेड डाउन स्टे, आप मेरे मैं स्टे दूंगा तो मेरा डॉग जो ना आपके कहने पर उठेगा नहीं, ठीक है जी। तो बाकी जो बात है अभी शेफर्ड, ये लॉन्ग कोटेड शेफर्ड है, ठीक है, इसकी फर अभी थोड़ी आने वाली है, क्योंकि लॉन्ग कोट का क्या है, यहाँ से पता चल जाता है अभी कानों के बाल, ठीक है, यहाँ पर मेरे डॉग की फर जो है ना अभी कम्प्लीट हुई नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर फर आने वाली है। बाकी डॉग बहुत अच्छा है, विन भी किया इसने, नापा में भी विन किया है, तो कल मेरी एक छोटा सा सवाल जी कि लॉन्ग कोटेड कब तक अपने रियल कोट में आते हैं, कितना समय ले लेते हैं? एक्चुअली में सर जो लॉन्ग कोटेड बच्चा है ना, अगर हम उसकी अच्छे से केयर करें, उसे कॉम भी करें, उसे थोड़े सप्लीमेंट भी दें, तो हमारा डॉग जो है ना, कुछ डॉग तो 13-14 मंथ में अपना कोट छोड़ देते हैं, बस कुछ होते हैं कि जो टाइम लेते हैं, और कुछ का कम भी रह जाता है, कुछ डॉग का कोट जो है ना वो कम भी रह जाता है, ठीक है। क्या होता है क्योंकि ब्रीड हो जाती है, मदर फीमेल जो है वो कभी लॉन्ग कोट हो जाती है शेफर्ड के साथ, कभी शॉर्ट कोट शेफर्ड मेल हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। कभी कभी जर्मन शेफर्ड अपनी ब्लड लाइन में बैक भी मार जाते हैं, बैक भी मार जाता है, वो पीछे भी चला जाता है, जो उसकी जनरेशन पीछे चल रही होती है तो उसमें भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है। और एक मैसेज जो लोग जर्मन शेफर्ड रखना चाहते हैं, उन कितना बड़ा घर होना चाहिए और कितनी उनको फिजिकल एक्सरसाइज देनी पड़ती है? सर सबसे पहली बात है, जैसे किसी का छोटा घर है ना, उनको शौक आता है भी यार हमने शेफर्ड लेना है गार्डिंग पर्सन के लिए, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं भी गार्डमन ले तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना जर्मन शेफर्ड का दायरा चाहिए होता है। जर्मन शेफर्ड एक बहुत टफ ब्रीड है, जिसे घर में संभालना, जिसकी एक्सरसाइज, जिसका वार्म अप बहुत अच्छा, इसमें कम से कम भी अगर किसी के घर में छोटी जगह है ना, तो वो फिर इसको बाहर घुमाए,
अगर छोटी जगह है तो उसको वॉक पे लेके जाए, बाहर रोड पे घुमाए, जहाँ बाहर कहीं लॉन है वहाँ पे घुमाए। अगर किसी का बड़ा घर है तो उसको तो कोई ज़रूरत कम पड़ती है, पर फिर भी उसे घुमाना चाहिए बाहर, ठीक है जी। तो कम से कम भी मिनिमम अगर किसी का जर्मन शेफर्ड लेना है ना, तो सर उसके पास 250 गज से ऊपर जगह होनी चाहिए, ठीक है जी। इनकी बालों की रख रखाव के लिए, बालों के लिए सर डेली सबसे पहले कॉम, ठीक है जी। डेली कॉम आप डेली नहीं भी कर पाते हो, एक दिन छोड़ दो दिन छोड़ के कर सकते हो, लेकिन बालों के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे हम अपने बालों की करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, उसी हिसाब से हमें बालों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं डॉग लाते हैं पेड़ के नीचे बांध देते हैं, वो काम गलत है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। इनको अगर प्यार से रखा है तो लेके हम प्यार से आते हैं, लेकिन हमारा शौक कुछ दिनों में कुछ महीनों में पूरा हो जाता है, लेकिन उसको फेंकना नहीं चाहिए, हमेशा केयर करनी चाहिए बालों की, उसकी बॉन की, उसकी लेग कहीं बाहर तो नहीं जा रही। अभी मेरे डॉग में थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने सब उसको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे रिंग में बढ़ते हैं हमें जज लोग बताते हैं अभी आपके डॉग में ये प्रॉब्लम, तो हम अभी इतने सालों के काम कर लेकिन फिर भी हमें भी कोई कमी रह जाती है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर भी हम ठीक कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच रुद्रा सर। थैंक यू सर, थैंक यू।